वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार इसके लगभग 20 से 22 डिब्बे कानपुर के पास पटरी से उतर गए। वहीं इस दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। हादसा रात करीब 2:45 पर गोविंदपुरी स्टेशन के नजदीक हुआ, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये वही लगभग 2:15 रात को। घायल कोई नहीं है, बच गई यार। कटरी पलट गई। कितनी लोग भैया आप भी जा रहे थे? मैं भी जा रहा था। कितनी लोग थे? पता नहीं, मेरे सामने जो है एकदम 40 डिब्बे जौनपुर से बैठे थे अहमदाबाद। ये पावर में थी बनारस से चली थी। बहुत कम से कम 40 डिब्बे है, 20-30 इधर तो पूरा जो है कि उतर गए पाटा पर। वहीं हादसे की खबर मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा कर्मी तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। बता दें कि इस हादसे में किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। देखिए, हादसा तो इसमें दिन में भले हुआ, लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। बस से भी चले गए और कानपुर में ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोग बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। ये तो रिलेटमेंट के बाद हो ही जाता है। ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं, टाइमिंग का भी नोटिसमेंट ले रहे हैं। रेलवे द्वारा ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियाँ जो है ट्रेन से पकड़े से करी हैं, लेकिन उन्हीं में कहें कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है सबसे ऊपर। और उनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन द्वारा भेजा जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है जिससे लोगों को स्टेशन द्वारा भेजा है। देखिए, इन लोगों को सबको जो है पानी कुछ खाने का, चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस को लोग प्रशासन को लोग सब लगे हुए हैं।